इसका सूट पटियाला कितनों को मार डाला, हाँ पंजाब दी ये शेरी सरदारनी। जी हाँ, यानी कि बात कर रही हूँ मैं कंगना रनौत की। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक और अब मैं लेकर आ गई हूँ आपके पास जजमेंटल है क्या का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। यस, फ्राइडे जब भी आता है तब फिल्म रिलीज होती है, एक तरीके से फर्स्ट हैंड रिपोर्ट कार्ड आता है। मंडे के आने के बाद ये डिसाइड होता है फिल्म अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। क्यों? क्योंकि 3 दिन का स्कोप मिलता है, ऑफकोर्स वीकेंड का स्कोप मिलता है फिल्म को। सबसे पहले बात करना चाहूंगी इसके फर्स्ट डे कलेक्शन की। यस, यानी कि 5.40 करोड़ का बिजनेस किया इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन। और क्योंकि बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी चल रही थी, बहुत सारी तमाम चीज़ें चल रही थी, कंगना वर्सेस मीडिया चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके अलावा फिल्म के रिव्यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि फिल्म किस तरीके से ग्रो करने वाली है। कंगना की फिल्म ने फर्स्ट डे पर ही 5.40 करोड़ का बिजनेस किया। सेकेंड डे फिल्म ने सैटरडे के दिन वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और बढ़ती गई फिल्म। सेकेंड डे के दिन फिल्म ने कमाया अप्रॉक्सीमेटली 8.02 करोड़ का बिजनेस किया। उसके बाद संडे आते आते इस फिल्म ने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू डेफिनेटली 8.62 करोड़ का बिजनेस किया, यानी कि 8.02 से सीधा 8.62 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म हर दिन ग्रोथ कर रही है और अब इसका वीकेंड कलेक्शन का टोटल ऑलमोस्ट हो चुका है 22.02 करोड़ का। यस, यानी कि डेफिनेटली बहुत 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 अच्छा नंबर है। कंगना रनौत, राजकुमार राव की इतनी तारीफ हो रही है, इंडिया की मोस्ट लव्ड थ्रिलर फिल्म कही जा रही है जजमेंटल है क्या, और साथ ही साथ क्रिटिक्स के द्वारा क्लेम्ड की गई बेस्ट थ्रिलर का अवार्ड भी, एक तरीके से खिताब इस फिल्म को मिल चुका है। मुझे भी पर्सनली ये फिल्म बहुत पसंद आई, ये आपके दिमाग के साथ जरूर खेलती है, और जैसा काफ़ी लोग भी कह रहे हैं और मैं भी कहूँगी, दिस फिल्म इज़ फॉर द क्लासेस नॉट फॉर द मासेस, बिकॉज ऑडियंस को इस फिल्म को ग्रैप करने में, इस फिल्म को समझने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन आपको ये फिल्म कितनी पसंद आई, देखी या नहीं देखी, नहीं देखी तो जाओ देखो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल मूवीज अड्डा, दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। और हाँ, कॉमेंट करके जरूर बताओ कि फिल्म कैसी लगी।